मैं अभी यहाँ पे एक इवेंट में आया हुआ था, अभी तकरीबन एंड हो गया है इवेंट का। यहाँ पे हमने छोटा मोटा अपनी प्रोडक्ट की एक्टिविटी रखी हुई थी, उसके मसाला जात के हवाले से कुछ कुकिंग प्रोग्राम्स हो रहे थे, यहाँ पे वर्कशॉप हो रही थी, तो हमने अपने मलका मसाले यहाँ पे रखवाए थे और उनको मार्केट करने का एक हमें एक बहाना कह लें वो मिला था। बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया गया, रेसिपीज़ माशाल्लाह 4-5 सिखाई गई। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए थे, स्टूडेंट्स इसलिए कह रहा हूँ कि वो सीखने का अमल कभी नहीं रुकता, वो उसमें एज मैटर नहीं करती, हाउस वाइफ भी थी और यंग लड़के लड़कियाँ भी थे। बहुत अच्छा हुआ और मेरी मुबारकबाद इस इवेंट के मैनेजमेंट को, उसमें सारा मेरे ख्याल में सरे फहरिस्त हैं और इनको एक डिज़र्व करती हैं कि इनको अप्रॉड किया जाए। आज इनका काफ़ी छुपा हुआ टैलेंट मुझे नज़र आया, ना सिर्फ एक होस्ट के बल्कि एक पूरा एंकर पर्सन के होस्ट करना, चीज़ों को दिमाग में रखना, उनको लेके चलना, सीक्वेंस को रखना, हर ब्रांड को उसका डिज़र्विंग पोर्शन देना और उसको उसकी मार्केटिंग में हेल्प करना, ये बड़ा मेहनत का काम होता है। और सारे ऑडियंस को लेके चलना, उनको गिफ्ट्स देना, उनको सर्टिफिकेट्स देना, उनको हैंडल करना, मैनेज करना, फिर खाने को टेस्ट कराना, उसकी प्रेजेंटेशन, ये बहुत बड़ा एक पूरा अपने तौर पे एक साइंस है। एंड आई थिंक शी इज़ कंडक्टेड इट वेरी वेल, शी हैंडल्ड इट सो वेल कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और इंशाल्लाह आइंदा हम आगे जो भी इनके इवेंट्स होंगे हम कोशिश करेंगे हम इनके साथ पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच।